गाइस, दिस इज मोहम्मद अवैस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कश्मीर स्पीक्स। आज इस जगह का विजिट आपको मैं करवाने लाऊ, ये है एक पार्क बिश्केक किर्गिस्तान। बिश्केक कैपिटल है किर्गिस्तान का और ये कंट्री किर्गिस्तान है और इसमें एक पार्क है पैनफिलो पार्क। इसके अंदर आज हम आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, लाइक बहुत ज्यादा कम्युनिटी आई हुई है यहाँ पे विजिट करने और यहाँ पे बच्चे बड़े सब इंजॉय कर रहे हैं। हमारा ग्रुप भी आया था तो मैंने सोचा आपको यहाँ विजिट करवाता हूँ। हम इस व्हील में बैठे, आपको दिखाएंगे मेरे कोलीग। ये व्हील काफी बड़ा है और इस पार्क का सबसे लाइक बड़ा एक वो है प्लेइंग एरिया के लिए देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है और बहुत स्लो स्लो है प्रोसेसिंग कर रहा। ऊपर देखा जाए तो काफी डर भी लग रहा है कि काफी हाइट है, लेकिन इंजॉय कर रहे हैं हम इस चीज को। तो हमारा यहाँ पे आना हुआ तो मैंने कहा आप लोगों को भी ये दिखा दूँ, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ के मैं स्पेसिफिक बताऊँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है और बहुत अच्छी कम्युनिटी है, मतलब अमन पसंद जिसे हम कहें वो होंगे। सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं और हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से भी दे आर डूइंग वेरी ग्रेट। और मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे बैक साइड पर, अभी हम बिल्कुल टॉप पर जा रहे हैं स्लोली, तो आप इस व्यू को इंजॉय करें। पूरा पार्क यहाँ से दिखेगा, वी आर गोइंग ऑन द टॉप साइड और माशाल्लाह सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। साथ मौसम का अगर मैं बताऊँ तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल वेदर हियर। दो घंटे में बारिश होती है फिर एकदम से धूप निकल आती है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ की साइड। इस बिश्केक सिटी का अगर मैं बताता चलूँ, साइड एरिया में हमारे पास सारे माउंटेन्स हैं और वहाँ पे बर्फबारी होती है। ये बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे आता है और आपको पता है रशिया वाली साइड पे इट्स वेरी कोल्ड वेदर और इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल प्लेस। मैं अब अच्छा हमारे साथ एक टूरिस्ट हैं जो दुबई ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि इनको ये जगह कैसी लगी, अपना इंट्रोडक्शन भी ये साथ कराएंगे। तो बाकर साहब आप बताएं काइंडली। मेरा नाम बाकर हुसैन है, मेरा ताल्लुक किर्गिस्तान से है। अच्छा माशाल्लाह। और जैसे आप जानते हैं किर्गिस्तान के थ्रू दुबई जाना है आजकल। अच्छा। तो उसी सिलसिले में हम भी यहाँ आए, आज पांचवा दिन है। अच्छा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा। अपने काम से काम रखते हैं, सिविलाइज है, साफ सफाई है। सिटी का आपको क्या चीज अट्रैक्ट किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए सारे। सबसे मुझे अच्छी बात यहाँ ये लगी कि सफाई है। अच्छा। गुर्बत है लेकिन लोग सर्वाइव कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा। साफ सफाई है, किसी किस्म के इनसे कोई खतरा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ की कम्युनिटी का बताते चले, मुस्लिम्स कितने हैं और यहाँ पे मस्जिद वगैरह मिलती है, खाने पीने का बताएं। खाने पीने को भी मिलता है और माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान से मेडिकल के स्टूडेंट इंजीनियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा। और उन लोगों ने कैफेटेरिया टाइप के भी खोला है जो पाकिस्तान से आने वालों को खाना भी प्रोवाइड करते हैं, आपको पाकिस्तानी गैस यहाँ आराम से मिलता है। अच्छा माशाल्लाह। और आपकी रेजिडेंस वगैरह अच्छी है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा। अच्छा हॉस्टल है तो इतनी पब्लिक नहीं है और सबसे अच्छी बात ये कि जितने भी है अपने पाकिस्तानी है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर कोई टूरिस्ट इस कंट्री में विजिट करना चाहे पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी अराउंड द वर्ल्ड, तो क्या कहेंगे? मैं खासतौर पर अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये कहूँगा कि वो जब भी किर्गिस्तान आए तो अपना कल्चर को न छोड़े, उनकी अपनी अपनी पहचान पाकिस्तानी यानी कि पहचान को न छोड़ा जाए, अपना अखलाक वो न छोड़ा जाए, इनके कानून को फॉलो किया जाए। हाँ, बड़ी अच्छी बातें की हैं हमारे साथ हमारे अंकल हैं। और अभी अगर मैं कैमरा मैन दिखाएं आपको बैक साइड पे, बहुत खूबसूरत वेदर है, देखिए यहाँ बादल आए हुए हैं और इनका कंट्री का यहाँ पे फ्लैग भी सामने नज़र आ रहा है और बहुत ही मतलब ग्रीनरी है इस एरिया में माशाल्लाह, मतलब पहाड़ हैं, ग्रीनरी है और इनका अपना कल्चर भी बड़ा अच्छा है, लोग बड़े अमन पसंद हैं यहाँ पे। तो आपको वीडियो इंजॉय करें और गाइस इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी ये वीडियो। अगर किसी का कभी कोइंसिडेंस होता है यहाँ पे आने का तो मस्त घूमे फिरे, एंजॉय करें और अपने कल्चर को मत छोड़ें, क्योंकि हमारी पहचान हमारे कल्चर के साथ है, हमारे अपने तौर तरीके जो हैं उनके साथ है, क्योंकि हम यहाँ पे जाते हैं बाहर तो सारे हमें देख रहे होते हैं कि हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एज अ पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम यहाँ की लॉज को फॉलो करें, अच्छे तरीके से रहें, ताकि हमारी पहचान, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल इफ़ यू विल डू एनीथिंग तो आपकी रिप्रेजेंटेशन एज अ कंट्री की गिनी जाएगी। तो होपफुली गाइस यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।